सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि अगर देश में असमानता का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि दो भारत बन रहा है, एक अमीर एक गरीब, तो इसमें जिन्ना की टू नेशन थ्योरी कैसे जस्टिफाई हो जाती है, जिसको कहकर विशेषाधिकार नोटिस उन्हें दिया जा रहा है? इस बिंदु पर जरा मुझे समझा दीजिए, मुझे और दर्शकों को कन्विंस कीजिए मुझे क्या करना है कि जब वो असमानता की बात कर रहे हैं तो वो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी हो गई कैसे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स की परिभाषा तो संविधान में है, पर परिभाषा नेशन की भी है। भारत एक राष्ट्र है, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। मैं तो खुद एक कानून का स्टूडेंट हूं तो मुझे ये बात मालूम है। तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये आपके मंसूबे हो सकते हैं जिसके तहत आपने अक्साई चीन चाइना को दे दिया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, परंतु ऐसी बातें जिससे पाकिस्तान और चीन में आपके जो मास्टर्स है, मास्टर्स वॉइस बता रही थी, तो इनके मास्टर्स जिनके साथ इन्होंने करार और दिल का करार किया है उनको खुश करने के लिए अगर राहुल गांधी ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से ये देशद्रोही है। कि भारत के टुकड़े टुकड़े की मंशा, वो भी भारत के सबसे ऊंचे पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में करना। जहां तक बात है असमानता की, मेरी बहन एक इकोनॉमिस्ट भी रही है, मीडिया चैनल में भी काम की है, मुझे बताइए, एक अनर्थ शास्त्री थे 10 सालों तक, और उन अनर्थ शास्त्री के जमाने में जब कोई कोविड काल नहीं भी था तब भी 10% इन्फ्लेशन रहा करता था। आज कोविड काल होने के बावजूद 5.5-6% इन्फ्लेशन है, अमेरिका से कम इन्फ्लेशन भारत में रखा है, हालांकि हमारे खर्च काफी बड़े हैं। और वो खर्च किस प्रकार से बढ़े, इन्होंने सोशल स्पेंडिंग कितनी की, हेल्थ की, एजुकेशन की, सोशल सेक्टर्स पे 8 लाख करोड़, हमने इसको बढ़ाकर 18 लाख करोड़। ये किसानों की बात करते हैं, इन्होंने धान और गेहूं की खरीद 5 वर्षों में अगर इनका आंकड़ा ले तो 3 लाख करोड़ की, हमने 8 लाख करोड़ की। हमने किसान सम्मान निधि भी दी 1,80,000 करोड़ की, और इस बार भी हमने 68,000 करोड़ का कमिटमेंट किया है, हमने 2,37,000 करोड़ का कमिटमेंट एमएसपी के लिए किया है। इनके लिए एमएसपी क्या था, मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। कैसा एमएसपी देते थे, ये कहते थे एमएसपी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये ऑन रिकॉर्ड मनमोहन सिंह का बयान है। चलिए आते हैं मैं दूसरे मुद्दे पर, गरीबी को लेकर। गरीबी को इन्होंने कम नहीं किया, गरीबी को नीचे नहीं किया अंजना जी, केवल गरीबी रेखा को नीचे करते गए। और इनके नेता बयान क्या देते थे, 5 रुपए में भर पेट खाना मिलता है। अरे आप ही के आसपास के वो बगल के सांसद है ना जिन्होंने बयान दिया था, सुप्रिया जी 5 रुपए में कहीं खाना मिलता है, नहीं मिलता है। पर हां, मुफ्त में अगर मोदी जी की सरकार हो तो वैक्सीन भी मिलता है और राशन भी मिलता है 2 वर्षों तक, क्योंकि इस सरकार ने 2 लाख करोड़ का पैसा खर्च किया और गरीबों को एक भी दिन अनाज के बिना ना सोना पड़े 80 करोड़ हमारी देश की जनता को, हमारे जनदाताओं को। तो इस वजह से हमने इसके लिए चिंता की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुप्रिया जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी ने एक बयान तो जरूर दिया इसमें, पर कैपिटल इनकम की तो मैं बात बाद में करूंगा, जो आप छोड़कर गई थी 60,000 रुपए था, हमने 1,25,000 किया है। परंतु मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक एरर की, क्या स्ट्रेटेजिक एरर की, कि हमने संविधान में जो टेंपरेरी प्रावधान 370 और 35A की जो दीवार खड़ी थी उसको ध्वस्त किया, उस अलगाववाद परिवारवाद आतंकवाद की दीवार को, और लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, आतंकवाद की कमर पर चोट हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है, ये स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा, हमने अलगाववादियों को जेल भेजा वो स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा। आज हमारे देश में उस जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिलते थे, उनको अधिकार मिल रहे, महिलाओं को अधिकार मिल रहे, ये स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा। आज जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव हुए, ये स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा। आज डिलिमिटेशन प्रोसेस हो रही है, डोमिसाइल दिया जा रहा है बिहार के, बाकी देश के लोग वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। भौगोलिक एकीकरण नहीं, रूहानी एकीकरण जम्मू कश्मीर का हुआ है, ये स्ट्रेटेजिक एरर है हमारा। स्ट्रेटेजिक एरर आपका है कि आपने जम्मू कश्मीर को हमेशा अलग रखा देश के मानचित्र से, आपने दीवार खड़ी कर दी अलगाववाद परिवारवाद की, ये स्ट्रेटेजिक एरर रहा है। शहजाद जी अब रुक जाइए, सुप्रिया श्री जी अब जवाब दीजिए। देखिए, यूपीएस इकोनॉमी वर्सेस एनडीए इकोनॉमी मुद्दा हो गया, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो किया था, वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया, जब कोरोना नहीं भी था तो डबल डिजिट पे रहता था, हमारे वक्त पर 5.36 के बीच में वो मान रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पे नीति, मुझे लगता है पहले अर्थव्यवस्था को कौन बेटर हैंडल करता था उस पर अपना जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पर। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने अनुच्छेद 370 को हटाया, 36A को, डोमिसाइल सबको मिल रहा है, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिल रहा है, तो ये कैसे स्ट्रेटेजिक एरर हो सकता है? लेकिन पहले इकोनॉमी पर आपका जवाब, इकोनॉमी को हैंडल करने पर, अर्थव्यवस्था चलाने पर। सुप्रिया जी, अंजना जी, क्योंकि उन्होंने 50 बार मुझे अपनी बड़ी बहन कहा, तो मेरे छोटे भाई एक नसीहत सुन लो, जो जिसका सब्जेक्ट होता है ना उस पर नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि धज्जियां उड़ जाती हैं आपकी, और अब आपकी मैं धज्जियां उड़ानी शुरू करती हूँ। अब सुनिए, आपने किसान की आय दुगनी करनी थी फरवरी 2022 तक, आज किसान की आय कितनी है, 27 रुपया प्रतिदिन।
क्या हुआ उस वादे का, क्या हुआ $5 trillion इकोनॉमी का, जरा ये भी बताइएगा, क्या हुआ 14 करोड़ रोजगार जो 2 करोड़ सालाना के हिसाब से बन जाने चाहिए थे, लेकिन अब वित्त मंत्री कहती है कि 60 लाख 5 साल में बनेंगे, तो 2 करोड़ से गिर के धड़ाम से अटके खजूर पर 12 लाख रोजगार बनाएंगे 5 साल में। तो ये हो गई इनकी अर्थव्यवस्था। अब इनकी असलियत बयां करती हूँ, जो झुंझुना बजाते हैं किसानों को बड़ा सम्मान देने का, सबसे पहले तो 9 करोड़ किसान अभी भी इससे बाहर हैं, वो अलग बात है। आप किसानों को देते हैं 6,000 रुपया महीना। अब दो बातें ध्यान से सुनना, डीजल बढ़ाकर, कीटनाशक का दाम बढ़ाकर, खाद का दाम बढ़ाकर, ट्रैक्टर ट्रॉली का दाम बढ़ाकर उनकी खेती की लागत को बढ़ा दिया 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, और देते हैं उनको 6,000। तो डाका किसकी जेब में आप डाल रहे हैं? किसानों की। दूसरी, किसानों पर चर्चा सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार बजट में फर्टिलाइजर खाद की सब्सिडी 35,000 रुपया कम कर दी गई, फूड सब्सिडी बिल खाद की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए कम करी, मनरेगा 25,000 करोड़ रुपए कम किया, पीएम किसान निधि 500 करोड़ बढ़ाई। तो इधर उधर की बातें करके बगले झांकने का काम ना करिए। अब इन्फ्लेशन हमारा वर्सेस आपका, बहुत बढ़िया आपने सवाल कर लिया। इन्फ्लेशन मेरे भाई होता क्या है? इन्फ्लेशन माइनस रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू द रियल रेट ऑफ ग्रोथ, और रियल रेट ऑफ ग्रोथ से लोगों की संपन्नता होती है। इन्फ्लेशन आपका 6% है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ आपकी -7.5% थी। तो महंगाई का जो आलम मैं समझाना चाह रही हूँ, आई होप मैं इकोनॉमिक्स का लेसन 101 आपको दे पाई एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपने मुझे बहुत बार रेफर किया। आप इन्फ्लेशन को 2% पे कर लीजिए, जब -24% अर्थव्यवस्था को कर लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? आपके दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, 31 मार्च 2022 को जो साइज हमारी अर्थव्यवस्था का था वो 31 मार्च 2020 को था, और इन 2 वर्षों में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे।